है और हमने जैसा कि प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने फ्रैक्शन से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज कन्वर्ट करना सीखा था। उसी के बाद हम कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपको परसेंट फॉर्म दी गई हो और दूसरी तरफ आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी हो तो आप कैसे एक दूसरे में चेंज करेंगे। परसेंट जैसे आपके पास 25% है तो आप उसका फ्रैक्शन लिखेंगे 1/4। तो आपने क्या किया कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाते वक्त आपने डिवाइड बाय 100 किया और फ्रैक्शन से परसेंट में आते वक्त मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ये दो चीज़ें आपने सीखी थी। इसी के बाद हम जब परसेंट निकालते हैं तो हमें कोई वैल्यू दी गई होती है, तो हमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई होती है, जैसे आपको दिया 2/3, 2/3। तो मैंने कहा था कि नीचे वाली वैल्यू को आप टोटल वैल्यू मानोगे और ऊपर वाली वैल्यू को आप उसकी जो टोटल वैल्यू उसमें से कोई वैल्यू मानोगे। तो आपको कहा कि 2/3 को परसेंट में चेंज कीजिए, तो हमारे लिए 3 क्या है टोटल, तो 2/3 एक फ्रैक्शन वैल्यू है और 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे क्या कर दोगे 2/200/3%। तो जैसा कि हम जैसे किसी एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आते हैं, हमारे मार्क्स आए किसी एग्ज़ाम में 300, आपने किसी एग्ज़ाम में 300 मार्क्स ऑब्टेन किए, तो आपके किसी एग्ज़ाम में 300 मार्क्स आए हैं, 300 अंक आपने प्राप्त किए और टोटल जो एग्ज़ाम था वो 500 का था, तो आपको परसेंट निकालना होता है। तो आप कैसे करते हो परसेंट निकालने के लिए, मैंने कहा कि जो आगे नीचे होता है वो टोटल मार्क्स होता है, तो यहाँ पर क्या करोगे टोटल मार्क्स, और जो 300 आपने ऑब्टेन किए, जो आपने प्राप्त किए वो 300, और इसी को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो प्रतिशत में कन्वर्ट होता है ये 100, तो कितना आएगा 300/5, तो 60% आपके जो अंक होंगे वो अंक आ जाएंगे, 60% आपके इस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं परसेंट की फॉर्म में वो 60% आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमने देखा कि टोटल जो होता है उसे हम नीचे रखते हैं, टोटल को हम नीचे रखते हैं। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दो बटे तीन 1/3 का कितना प्रतिशत है, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए यहां पर जब मैंने कहा था कि 500 आपने 300 अंक प्राप्त किए और 500 आपके कुल अंक थे, तो इसका मतलब क्या है 300 जो है 500 का कितने प्रतिशत है और 300 500 का कितने प्रतिशत है 60%। वैसे ही आपको बताना है कि 2/3 किसका, 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो अगर हम करें सवाल इसे 2/3 × 3/1 = 100, 3 से 3 कट तो कितना आएगा 200%। कितना प्रतिशत है इसका 200% है। 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है 200% है। अगर इसकी जगह मैं आपको दूं क्वेश्चन कि 0.05 को परसेंट में लिखिए, या मैं दूं कि 0.05 को परसेंट को भिन्न में लिखिए, तो दोनों ही कंडीशन में बहुत फर्क है। इसको आपको परसेंट में चेंज करना है, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या ये कौन सी फॉर्म है, भिन्न में है या डेसिमल बोल सकते हैं, दशमलव, भिन्न भिन्न में हम चेंज करेंगे,
ये ऑलरेडी परसेंट में है, इसे हमें भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं कि 0.05 डेसिमल मतलब दशमलव, इसको हम जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, दो पॉइंट, पॉइंट के बाद दो, टू डिजिट के बाद आपके पॉइंट है, तो इसका मतलब 5/100। ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न में है, इसका प्रतिशत बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका 5%। ठीक है, कितना होगा 5%। और 0.05% को भिन्न में लिखिए, 0.05% को भिन्न में लिखिए, ऑलरेडी परसेंट में है, ऑलरेडी परसेंट में है, तो 0.05% है ये, तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए, पॉइंट तो इसमें भी हटाइए, 5, ये अभी भी परसेंट में है, ये अभी भी परसेंट में है, जब इस परसेंट को हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, 1/100, ये हो जाएगा 5/140, तो 0.0005 आपका भिन्न आ गया। तो भिन्न में ये क्या आ गया, 5/10,000 और डेसिमल में आ गया 0.0005। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन जो है, 2 घंटे 45 मिनट दिन का, एक दिन का कितना प्रतिशत है, 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक दिन में मेरे पास कितने घंटे होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24, और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और 45 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 45 मिनट में तो 45 मिनट ही होंगे, तो 45 मिनट टोटल मिनट कितने होंगे 2 घंटे में, 120 प्लस 165 मिनट। ठीक है, 24 घंटे में अगर मैं मिनट की बात करूं तो मिनट कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो अगर हम बात करें 165/24 टोटल कितना हुआ, 24 मल्टीप्लाई 60 × 100, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप काटो तो 3 पे 3 2 जा 3 5 जा 3 1 जा, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 510/48%, इतना भी परसेंट आ जाएगा। थोड़ा आप इसको कट करना चाहो तो सिंपलेक्स फॉर्म में लिख सकते हो 2 पे करके, तो जितना छोटा हो आप कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो थे हमारे कि ये इसका कितने प्रतिशत है, तो आपको मैंने बता दिया कि टोटल क्वांटिटी को हमें से आप नीचे रखोगे और उसका जितना प्रतिशत निकालना है उसे प्रतिशत निकालें। तो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे कि कोई राशि है, मैंने बता रहा है कोई संख्या है, उसको इसका इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 1500 है तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लेता हूँ कि यदि किसी संख्या में, अगर हम क्वेश्चन लें कि यदि किसी संख्या को 12 सही 1/2% बढ़ाने पर, यदि किसी संख्या को 12 सही 1/2% बढ़ाने पर संख्या 2700 बन जाती है तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी आपको बताना है। हमें इसके अंदर दिया है कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी, उस संख्या का 12.5% जब हमने उसमें जोड़ दिया तो मतलब वो संख्या उसके 12.5% से बढ़ गई, बढ़ने पे संख्या 2700 बन गई। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या थी जिसका 12.5% जब हमने उसी संख्या में जोड़ दिया तो वो संख्या 2700 बन जाती है।
तो इसके लिए हमने जो क्वेश्चन किए थे, पहले किया था हमने एक्स मान के, फिर हमने किया 100 मान के। तो मैंने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू देगा तो हमें 100 में ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 100 मान के जब 100 का 12 सही 1/2% उसमें जोड़ेंगे तो 100 का 12 सही 1/2% क्या होगा, 12 सही 1/2%। और वो जब उसमें 100 में जोड़ेंगे तो 112 सही 1/2% हो जाएगा, फिर आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मैंने कहा था कि 12.5% है, तो 12.5% को लिखिए, और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। आपको ना सो मानना ना आपको एक्स मानना, आपको मानना है ये जो नीचे होता है इसको टोटल वैल्यू। तो हमने वो संख्या मान ली 8, और उस 8 का 12 सही 1/2% होता है ये, ठीक है, 12 सही 1/2% आपका 1। 8 अगर कोई संख्या मानी तो उसका 12 सही 1/2% क्या है 1, इसका इतना परसेंट ये ऊपर वाला होता है। तो इसने कहा अगर उसकी बढ़ा दी जाए, मतलब अगर संख्या 8 है और उसमें उसका 12 सही 1/2% जोड़ दिया जाए, मतलब 1 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर संख्या बनी हमारी 9। और जोड़कर बनने वाली संख्या को जब मैं 2700 के इक्वल कर देता हूँ तो 1 पे क्या आएगा 2700/9 300। और हमने जो संख्या मानी 8, संख्या मानी 8, तो 8 पे हमारी संख्या आ गई 300 × 8 = 2400। तो हमारी संख्या क्या थी 2400 थी, जिसका 12.5% जब हमने उसमें जोड़ दिया तो संख्या बन गई 2700। तो यहां से हमने क्या किया, सिर्फ इस फ्रैक्शन का यूज करके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर यहीं पर ही इसी क्वेश्चन में अगर ये दे देता कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 12.5 सही 1/2% घटा दिया जाए घटाने पर संख्या बन जाती है 2100, तो बताइए संख्या क्या होगी, संख्या अभी भी 2400 ही आनी है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का तरीका होगा 12 सही 1/2% 1/8, तो इसका 8 का 12 सही 1/2 हम की बार घटाना है, तो संख्या मानी हमने 8 और उसका 12 सही 1/2 मतलब 1 हमने घटाया तो संख्या बनी 7, और वहाँ कितनी बनी 2100। 1 पे कितनी आएगी 2100/7 कितनी होगी 300, और आपको किस पे निकालनी है 8 पे 8 पे निकालनी है ना, कितनी आ गई संख्या 2400। तो संख्या बनी हमारी कितनी 2400 हमारी संख्या आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे, इसमें हम बढ़ाने पर या घटाने पर कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बैलेंस क्वेश्चन। बैलेंस क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जिसके अंदर ए की आय बी से इतने परसेंट है, ठीक है, बी की आय उससे इतने परसेंट कम होगी। मान लीजिए, देखिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, पहले ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से 20% कम होगी। अब इसकी से ज़्यादा है तो बी की कम तो होगी, क्योंकि ए की आय जब बी से ज़्यादा है तो बी की आय उससे कम होगी होगी, लेकिन ए की आय जब 20% है तो बी की आय उससे कितने परसेंट अधिक कम होगी। ए की आय जब 20% अधिक है तो बी की आय उससे कितने परसेंट कम होगी। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि कभी आप सोचो कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय से 20% ही कम होगी, नहीं। थोड़ा सा समझिए इसको, पहले हम समझ के करेंगे फिर आप ट्रिक से करोगे। ए की आय 20% अधिक है, ठीक, किससे, बी से। तो मैं अगर ए की आय को 20% का मतलब कि 20% का मतलब 1/5, अगर मैं ए की आय ए मान लेता हूँ, सॉरी बी की आय
ए की आय 20% अधिक है ना, तो अगर मैं बी की आय 5 मान लेता हूँ तो ए की आय कितनी होगी, इसका 20% अधिक मतलब एक ज़्यादा, तो ए की आय कितनी होगी, 6 होगी ना, ए की आय 6 होगी। अगर यहाँ से देखें तो ए की आय हमारी बनी कितनी, ए की आय हमारी बनी 6 और बी की आय बनी हमारी 5। अब देखिए मैं दोनों ही चेंज कर, ए की आय ज़्यादा है किससे, बी से, और ए की आय अगर मुझे पूछ ले कि ए की आय 6 है और बी की आय 5 है, तो ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, तो बी से कितनी ज़्यादा है भाई, 1 ज़्यादा है, और बी से पूछा है तो अपॉन में बी लोगे और मल्टीप्लाई 100, ये आया कितना 20। तो ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, 20%, जो कि हमें दिया है। हमसे पूछा उल्टा है, हमसे पूछा कि बी की आय इससे कितनी कम है, बी की आय भी कम तो ए की है, लेकिन किससे पूछा है, ए से, तो ए का परसेंट ए से पूछा ना, तो ए को भी नीचे रखोगे इनटू 100, तो 1/6 गुना में सो ही आएगा आपका 16 सही 2/3%। तो बी की आय ए से 16 सही 2/3% होगी, क्योंकि उस केस में हमने इसको अपॉन में ले लिया। और अब मैं बताता हूँ क्या ट्रिक, डायरेक्टली आप कैसे करोगे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पूरी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बैलेंस है, बैलेंस का मतलब ए की आय बी से इतने परसेंट अधिक है तो उसकी उससे कम पूछी है, या उसकी ज़्यादा पूछी है तो उससे अधिक पूछी है, और 1% दिखाई दे रहा हमें, ओनली 1%, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में सिर्फ 1% दिख रहा है पूरी स्टेटमेंट में। आपको ये परसेंट और इस अधिक का जो पहली लाइन में हमें दिया हुआ है वो यूज करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर पहली लाइन में अधिक पूछा है तो अगली लाइन में कम पूछेगा, पहली लाइन में अधिक दिया है तो दूसरी लाइन में कम पूछेगा, अगर पहली लाइन में कम दिया है तो दूसरी लाइन में अधिक पूछेगा। तो क्या करना है, इस 20 को लिखना है 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, हमेशा हमेशा, चाहे अधिक हो चाहे कम हो, 20 × 100 आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद पहली लाइन में देखना है अधिक दिया या कम, अधिक दिया है तो 100 में उतना ही अधिक करके डिवाइड कर दो, 20% अधिक है तो 100 में आपने 20% अधिक कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो आपने इसको काटा 6, कितना आ गया 16 सही 2/3% आंसर, 16 सही 2/3% आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी की सेकंड टाइप जो होगी, अगर मैं यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी, मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अगर पहली लाइन में कम दिया हो तो अगली लाइन में अधिक पूछेगा, और पहली लाइन में अधिक दिया हो तो अगली लाइन में कम पूछेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, 25% दिया है 1/4, अगर मैं ए की आय बी से 25% कम है ना, तो अगर मैं इसको बी की आय मानूं और इसका 25% कम, मतलब एक कम क्या होगा, ए की आय कितनी हो जाएगी, 3, ए और बी, ए की आय 3, बी की आय 4, ठीक है, बी की आय इससे कितनी अधिक पूछी है तो प्लस 1 है, अपॉन में 3 × 100 कितना आएगा, 33 सही 1/3%। और अगर हम ट्रिक की बात करें, जो हमने ट्रिक सीखी थी ट्रिक में, आपको देखना है 1% है, 1% है, जितना परसेंट है उसको इसमें भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखोगे, और अपॉन में जो डिवाइड में आएगा 25% कम, तो इसका मतलब कि बार 100 में उतना ही माइनस कर दोगे, तो 25% कम मतलब 75 से माइन डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 100/3, 33 सही 1/3% आपका आंसर आएगा। चाहे तो आप इस तरीके से करो, चाहे तो आप इस तरीके से करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के लिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ क्वेश्चन अलग से टाइप से करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।